हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्ज़ाम बहुत पास हैं, बहुत मेहनत कीजिएगा। मैं आज वापस से आपको 20-25 क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको बताती हूँ, और एक्सप्लेनेशन के साथ बता रही हूँ क्योंकि पीछे का कुछ पोर्शन छूटा हुआ है। वो इतना मैं बता नहीं पाई हूँ, तो बेहतर होगा कि इन क्वेश्चन के साथ साथ हम उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डॉक्टर कलाम, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। तो डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इनकी उपलब्धियां या इन्होंने कौन कौन सी मिसाइल्स बनाए थे उनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए, अगर उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा जाता है तो हम यहाँ पे वो भी लिखेंगे कि इन्होंने पहला रॉकेट बनाया था नाइकी अपाचे भारत के लिए। ठीक है, दूसरा ये भी लिखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से मिसाइल्स थे जो भारत के लिए बनाए थे। इन्होंने कुछ मिसाइल्स, एक मिसाइल प्रोग्राम बनाया था, उस मिसाइल प्रोग्राम के तहत इन्होंने 5 मिसाइलें हैं वो आपको याद रखनी है। वो होंगी आपकी आकाश, नाभ, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल। ये 5 मिसाइल्स हैं, इनको आपको याद रखना है, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बनाई थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय का कार्य लिखना है आपको। ठीक है, अग्नाशय का कार्य बताना है। तो अग्नाशय का कार्य आप बताएंगे कि यहाँ से 2 चीजें रिलीज होती हैं। 2 चीजें कौन कौन सी रिलीज होती हैं? एक तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जब आपसे इसके कार्य पूछे जाएंगे तो आप दोनों लिखेंगे कि यहाँ से कुछ हार्मोन और कुछ एंजाइम दोनों रिलीज होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स की अगर बात करते हैं तो ग्लूकेगोन और साथ में इंसुलिन, दोनों हार्मोन निकलते हैं। एंजाइम की बात करते हैं तो हमने एक पिक से याद किया था, LAT यानी कि लाइपेस, एमाइलेस और ट्रिप्सिन। ठीक है, ये 3 हार्मोन यहाँ से, सॉरी 3 एंजाइम्स यहाँ से निकलते हैं जिनको आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन ये है, ये पाचन का कार्य करते हैं और ये ग्लूकोज को एकत्रित, शरीर में एकत्रित करके रखने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि मादा में निषेचन कहाँ होता है? ठीक है, जो मादा होती है वहां पर अंडाणु और शुक्राणुओं में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर आएगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो होती है वहां पर निषेचन होता है, यानी कि अगर आप इस तरीके से ये गर्भाशय का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस तरीके से जो फैलोपियन ट्यूब होती है जो कि फर्दर नीचे जाके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है, और यहाँ पे होते हैं आपका ये अंडाणु, अंडकोश होता है, यहाँ पे से अंडाणु निकलता है, यहाँ आता है और यहाँ पर शुक्राणु इधर से प्रवेश करता है और शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन का अगर दहन किया जाए, जो मीथेन होती है उसका आपने किया दहन, तो उसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज समझाऊंगी कि आपको किसी भी चीज का दहन आ जाए, चाहे मीथेन का हो, एथीन का हो, प्रोपेन का हो या एथीन का हो या किसी भी चीज का दहन हो, करना कैसे होता है। तो देखिए, मैं आपको ये तो बता ही रही हूँ इनके आंसर्स, हल्का हल्का एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ जिससे आगे पीछे की चीजें भी आपको याद होती रहेंगी। तो मीथेन का दहन करना है या किसी भी चीज का दहन करना है, तो जहां दहन शब्द आ जाता है यानी कि जलाना है, तो कैसे जलाया जाता है किसी भी चीज को? मीथेन का सूत्र होता है CH4, कार्बन, हाइड्रोजन और ये हो गया। अब इसका हमें करना है दहन। दहन करना है यानी कि सीधी सीधी सी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवानी है, क्योंकि कोई भी चीज तभी जलती है जब वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। ठीक है, अब जब हमने इसे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई तो इसमें जितनी भी चीजें मिलेंगी आपको, यहाँ कार्बन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। कितनी चीजें हैं? केवल 2 चीजें हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन तो बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बना लेगा जल। ठीक है, यानी कि होगा क्या कि आप किसी भी चीज का दहन करवाएंगे, आपका आंसर हमेशा यही आने वाला है। अगर आप यहाँ पे एथेन का करवाएंगे, C2H6 का करवाएंगे, तो वहां भी कार्बन और हाइड्रोजन है, वहां पे भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगी। बस आपको इसको बैलेंस करके लिखना है, यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन
दो ऑक्सीजन है तो दो और तीन हो गए हैं, बाकी आप खुद कीजिएगा इसको बैलेंस करके मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन होता है रेशे उत्पादक। आप ये ले लो, रेशे उत्पादक पौधे, रेशे उत्पादक पौधे का आपको नाम बताना है, ठीक है। रेशे उत्पादक पौधे का नाम बताना है, तो ये रेशे उत्पादक पौधा आपका हो जाता है, बहुत सारे होते हैं, जूट होता है, कपास होता है, हाँ नारियल, नारियल होता है, तो उसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, सनई करके भी दे रखा है, तो आप सबसे पहले ले लीजिए। जैसे यहाँ पे आप चारों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ कोकोनट। कोकोनट यानी कि नारियल का, नारियल का नाम मैंने क्यों लिखा बताती हूँ। जूट होता है, कपास होता है, सनई होता है और नारियल होता है। नारियल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो रेशे उत्पादक पौधे का नाम तो लिखने ही है, साथ में इसका अगर वनस्पतिक नाम भी पूछ लिया यानी साइंस का नाम भी पूछ लिया तो आप लिख सकते हो, जो आसान हो जाएगा आपको वो ऐसे होगा कोकोस न्यूसीफेरा, ठीक है। अब ये याद करना थोड़ा आसान है क्योंकि नारियल को कोकोनट कहा जाता है और यहाँ भी आपका कोको शब्द आ रहा है, तो नारियल का होता है कोकोस न्यूसीफेरा। इस तरीके से आप इसका नाम याद रख सकते हैं, किसका वनस्पति नाम याद रख सकते हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए इसमें चारों याद रख लेना, क्योंकि अगर आपको वैज्ञानिक नाम नहीं भी याद है तो एटलीस्ट आप ये वाला नाम लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मैं इनको रख कर रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो एंटीजन की परिभाषा है, एंटीजन की परिभाषा है कि बे बाहरी पदार्थ या रोगाणु, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, बाहरी पदार्थ होने चाहिए या तो, या फिर होना चाहिए रोगाणु। जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स को, किसको, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट WBC में होती है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा क्या करती है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, प्रतिरक्षी निर्माण। तो इसकी परिभाषा मिला के कैसे याद रखेंगे हम, बे बाहरी पदार्थ या रोगाणु जो शरीर में प्रवेश करने के बाद बी लिम्फोसाइट्स को प्लाज्मा में परिवर्तित करने के लिए उत्साहित करते हैं, या कह सकते हैं मोटिवेट करते हैं, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स को प्लाज्मा में परिवर्तित रूपांतरित करने के लिए मोटिवेट करते हैं, और फिर उनसे प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, उन्हें कहा जाता है एंटीजन, एंटीजन यानी कि प्रतिजन कहा जाता है, प्रतिजन, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं कि विद्युत धारा, चलिए ये वाली परिभाषा हो गई आपकी। एंटीजन क्या होता है, वे बाहरी पदार्थ या रोगाणु होते हैं जो कि शरीर में प्रवेश करने के बाद लिम्फोसाइट्स को प्लाज्मा में रूपांतरित करने के लिए मोटिवेट करते हैं और प्लाज्मा से प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। तो ये थी हमारी प्रतिजन या एंटीजन की परिभाषा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत धारा समान कहाँ होगी, कौन सा क्रम लगाया जाए, किस क्रम में विद्युत धारा समान होती है। तो प्रश्न सिर्फ आपका इतना है कि किस क्रम में विद्युत धारा समान होती है। तो हमारा है विद्युत धारा समान, मैं इसको थोड़ा रब कर रही हूं इधर से, विद्युत धारा समान। तो विद्युत धारा समान किसमें होती है, श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा श्रेणी क्रम में समान होती है। और यहीं पे अगर आपको पूछा जाए विभवांतर यानी कि बी, विभवांतर किसमें समान होता है, वो आपका समांतर क्रम में समान होता है, ठीक है। यहाँ पे वी आएगा और यहाँ पे आई आएगा, धारा श्रेणी क्रम में समान होती है और विभव या विभवांतर समांतर क्रम में समान होता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अपक्षय की शक्तियां बताइए, अपक्षय की शक्तियां बताइए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपक्षय और अप्रदन दोनों अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। तो हमको आज समझना है अपक्षय की शक्तियां क्या होती हैं। तो अपक्षय की शक्तियां ये होती हैं कि देखिए कोई भी चट्टान है, समझिए
तो कोई भी चट्टान है तो वो चट्टान कैसे टूटेगी, उसको टूटने में मदद करने वाले कारक बताने हैं हमें, ठीक है। तो वो कैसे टूटेगी, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे बारिश होती है तो बारिश के पानी की वजह से वो चट्टान टूट सकती है, हवाएं जब चलती हैं तो हवाओं के चलने से उनमें रगड़ लगती है और उसकी वजह से चट्टान टूटती है, या फिर पाला पड़ता है। पाला पड़ने का मतलब होता है जब बारिश होती है तो सुबह के टाइम पे वो जम जाता है, बर्फ की रूप में जम जाता है पानी, तो क्या होता है कि चट्टानों में हल्की हल्की दरारें होती हैं और उन दरारों में भर जाता है पानी। जब पानी भर जाता है तो जब पाला जब पड़ता है, पाला पड़ता है मतलब वो पानी जम जाता है बर्फ की तरह, तो बर्फ ना फैलती है, बर्फ फैलती है, तो जैसे वो बर्फ फैलेगी तो उसमें गैप आ जाएगा, जैसे समझिए ये चट्टान है, ठीक है। अब इसमें ये दरार पड़ गई, अब दरार पड़ गई तो इसमें भर गया पानी। जब ये पानी फैलेगा, कब फैलेगा, जब ये जम जाएगा, जैसे ये पानी जमेगा ये फैलेगा और फैलते ही ये जो दरार है वो बड़ी हो जाएगी। आपको ये देखना है तो उसके लिए एक काम कीजिए, एक बॉटल लीजिए प्लास्टिक का, ठीक है, और प्लास्टिक की बॉटल को फुल भरिए एकदम पूरा पानी से भर के और ढक्कन लगा दीजिए और उसे डाल दीजिए अपने आइस बॉक्स में। जब आप दूसरे दिन फ्रिज में देखेंगे तो आपकी प्लास्टिक की बॉटल टूट चुकी होगी, ठीक है। प्लीज ऐसी बॉटल रखना जो टूट जाए तो नुकसान ना हो, वरना आप लोग मुझे ब्लेम करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फुल भरना, उसको स्पेस नहीं होना चाहिए उसमें, बिल्कुल एकदम टॉप तक भर के ढक्कन लगा के फ्रिज में रख के देखिएगा। सिमिलरली यहाँ पे होता है, चट्टान के बीच में पानी भर जाता है और जब वो जमता है तो फैलता है, जैसे वो फैलेगा तो ये चट्टानें टूट जाती हैं, तो पाले की वजह से टूट सकती हैं, पेड़ पौधों की वजह से टूट सकती हैं। क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा जहां पे बड़ा सा पेड़ लग जाए, जैसे मान लो इस चट्टान के ऊपर कोई बड़ा सा पेड़ लग गया तो उसकी जड़ें जो होती है ना वो आगे बढ़ने के लिए जगह बनाती है तो वो चट्टानों को तोड़ देती है, ठीक है, उनकी वजह से टूट सकता है। मानवीय गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां कैसे, जैसे कि हम लोग कुएं वगैरह खोदते हैं तो डायनामाइट लगा देते हैं, रोड डालते हैं तो इंसान पत्थरों को काट देता है, ठीक है, उसके वजह से टूट सकती हैं। तो कई सारे कारण हो सकते हैं, तो इसमें से आपको चार कारण पूछे हैं अपक्षयण की शक्ति। ओके, तो पहले अपक्षयण की शक्ति मैंने समझा दिया आपको, ये वाले टॉपिक में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये वाला हो गया आपका अपक्षयण की शक्ति के किन 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 के वजह से होती है, तो आप लिख सकते हैं पाले के वजह से हो सकती है, वर्षा के वजह से हो सकती है, हवा की वजह से हो सकती है, या मनुष्य मानवीय गतिविधियों के कारण हो सकती है, कृषि के कारण, पेड़ पौधों के कारण, बहुत सारी चीजें हैं इन सब के कारण होती है। अच्छा, आपको अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में जो हमारा मरुस्थल बना है तो वो भी जो अरावली पर्वतमाला है उसके अपक्षयण के कारण बना है, क्योंकि उसका एक और कारण वो ही है अरावली पर्वतमाला का अपक्षयण। अरावली पर्वतमाला में हवाएं चलती हैं और उन हवाओं की वजह से अरावली पर्वतमाला की चट्टानें टूटती हैं और उनकी मिट्टी रेगिस्तान में फैलती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया अपक्षयण की शक्तियां। अगला क्वेश्चन है कि मछली पालन। अब मैं यहाँ पे मछली पालन भी पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए मछली पालन का क्या है कि जैसे कृषि होती है, ठीक है, जैसे पशुपालन होता है वैसे ही मछली पालन होता है। लोग क्या करते हैं कि कुंड बनाते हैं, एक आर्टिफिशियल कुंड बना लिया और उसके अंदर मछलियों को छोड़ देते हैं, छोटी छोटी मछलियां लाकर छोड़ देते हैं, धीरे धीरे उनमें प्रजनन होता है और मछलियों की संख्या बढ़ती चली जाती है और उनको वो एज ए मार्केट में बेचकर और उससे अपना कृषि मतलब आर्थिक जो है मतलब गतिविधियां वो कर सकते हैं, यानी कि वो अपना घर चला सकते हैं, उनको बेच के पैसा कमा सकते हैं, तो इसे कहा जाता है मछली पालन। अब ये दो प्रकार से होती है, एक तो होता है मीठे जल में और एक होता है खारे पानी की मछलियाँ। खारे पानी की मछलियों का पालन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो आप कुंड बनाएंगे आर्टिफिशियल उसमें खारा पानी कहाँ से लेके आएंगे, है ना, और दूसरा खारे पानी की मछलियाँ ज्यादातर समुद्र में मिलती हैं, इसलिए जो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से जो कुंड बनाया जाता है वो ज्यादातर मीठे पानी की मछलियों का कुंड बनाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है मछली पालन। तो इन्होंने बोला है कि मछली पालन में कौन कौन सी मछलियां होती हैं जिनका पालन ज्यादातर किया जाता है, तो इन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है रोहू और कतला, ठीक है, रोहू और कतला मछलियां हैं जिनका पालन अक्सर लोग कुंड बनाकर आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम तरीके से करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि जो पीएच है ये देखिए पीएच है, पी में इसमें पी छोटा बनाइएगा एच बड़ा बनाइएगा, तो पीएच दे रखी है हमको, एक पीएच दिया हुआ है 6 और दूसरा पीएच दिया हुआ है 8। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से अम्लीय कौन सा है क्षारीय कौन सा है, तो ये अम्लीय है और ये क्षारीय है। कभी कभी आपको ऐसे दे देते हैं, वो एक 6 दे दिया
और एक 6.7 दे दिया। अब आपसे पूछते हैं कि अम्लीय कौन सा क्षारीय कौन सा है, तो बच्चे इसको तो अम्लीय कर देते हैं क्योंकि कम है, वो क्या सोचते हैं एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय, नहीं ये 7 से कम है तो ये भी अम्लीय होगा, ये भी अम्लीय होगा, जो भी 7 से नीचे आएगा वो सब अम्लीय होंगे, ये अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, लेकिन जो 7 से ऊपर है वो क्षारीय होता है और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। अब क्वेश्चन चेंज होता है यहाँ पर कि हाइड्रोजन की सांद्रता किसमें अधिक है, यानी हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है, तो अम्लीय जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन की सांद्रता ज्यादा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन करते रहिए, देखते रहिए, आप लोगों को लगता है कि थोड़े से क्वेश्चन हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखिए हमारे ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे मिक्स करके मैं क्वेश्चन ले रही हूँ और सारा एक्सप्लेनेशन भी कर रही हूँ, उससे क्या होगा कि आपके सारे चैप्टर का एक थोरली रिविजन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम कि हमने देखा था IUCN क्या है, वो हम देख चुके थे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इससे एक बुक निकलती है, उसे कहा जाता है रेड डेटा बुक। ठीक है, रेड डेटा बुक, ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आप प्रीवियस क्लास का वीडियो यहाँ जो सजेस्टेड वीडियो है और वहां से जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। अब बात ये थी कि रेड डेटा बुक में क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि कौन सा एनिमल है या कौन सा जानवर है जो खत्म होने वाला है, संकट में है, परेशानी में है, मतलब वो उसकी संख्या कम होती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जितने भी जानवर पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया, अलग अलग सेक्शंस में उनको डाल दिया है कि ये वाले जानवर हैं वो दुर्लभ है कि मतलब बिल्कुल मिलते ही नहीं है, ये वाले हैं जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है, तो इस प्रकार से। तो आज उनमें से हम दो देखेंगे, एक तो देखेंगे अति संवेदनशील, एक तो है अति संवेदनशील और दूसरा है दुर्लभ। अति संवेदनशील वो होते हैं जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है, जब भी वो कैलकुलेशन करते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। दुर्लभ वो होते हैं कि जो मतलब बहुत मुश्किल से मिलते हैं, किसी किसी पर्टिकुलर जगह पर जाएंगे और वहां पर बहुत थोड़ी सी संख्या उनकी मिलती है, यानी पूरी पृथ्वी पर वो ज्यादातर नहीं पाए जाते हैं। तो अति संवेदनशील है जिनकी संख्या कम हो रही है, जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है, और दुर्लभ जो होते हैं जो नाम से पता चल रहा है जो दुर्लभता से पाए जाते हैं। तो अगर इनका उदाहरण देखते हैं हम तो इनका उदाहरण मिलेगा आपको कोबरा। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या कम हो रही है, ऐसा नहीं है कि दुर्लभ है लेकिन इनकी संख्या कम होती जा रही है। या फिर हम कहेंगे लाल पांडा, आपको एक लाल पांडा से एक बात बताऊं, ये जो लाल पांडा है ना वो रेड डेटा बुक के जो कवर पेज है उस कवर पेज पे भी ये रेड पांडा बना हुआ है। ठीक है, और दुर्लभ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा लाल भेड़िया और एक दे रखा है ग्यावान गेंडा। ठीक है, मैंने थोड़े दिन पहले न्यूज में भी देखा था कि व्हाइट गेंडा जो है वो लास्ट जो गेंडा था उसकी डेथ हो गई है, यानी एक ही बचा था अर्थ पे और वो भी खत्म हो गया है व्हाइट वाला गेंडा। चलिए, तो ये होता है हमारा इनके नाम। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, डोवे राइनर की विशेषताएं बताइए। डोवे राइनर ने जो त्रिक दिया था उसकी विशेषताएं बतानी है। अब इसकी विशेषता क्या होती है पहले समझ लेते हैं कि डोवे राइनर त्रिक क्या होता है, कि सबसे पहले जो प्रेडिक्टेबल है इन्होंने दी थी और इन्होंने तीन तीन के ग्रुप बनाए थे, तीन तीन परमाणुओं के ग्रुप बनाए थे, तीन तीन तत्वों के ग्रुप बनाए थे। तो उसकी विशेषता क्या है कि जैसे मान लो इन्होंने बनाया लिथियम सोडियम और पोटेशियम, इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। लिथियम का भार होता है 7, इसका होता है 23 और इसका होता है 39। तो इन्होंने ये बोला था कि इनका जो भार होता है अगर पहले और तीसरे का एवरेज निकाला जाए, औसत निकाला जाए तो 23 आता है, अगर हम इन दोनों को जोड़ के दो का भाग लगाएंगे तो 23 आएगा। तो डोवे नाइट त्रिक की विशेषता ये है कि इन्होंने तीन तीन के पेयर बनाए थे, तीन तीन तत्वों के जोड़े बनाए थे जिसमें से पहले और आखिरी जोड़े का औसत दूसरे के बराबर होता है, ये इसकी विशेषता है। अगला देखते हैं समंजन क्षमता क्या होती है, तो
समझने की क्षमता बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है उस लेंस की फोकस दूरी जो एडजस्ट होती है, यानी कि जैसे अगर मुझे दूर देखना है तो फोकस दूरी उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, और मुझे पास की चीज देखना है तो फोकस दूरी उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। इसे कहा जाता है समंजन क्षमता, यानी कि आंखों में जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी एडजस्ट जो होती है उसे समंजन क्षमता कहा जाता है। अगली देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण एप्लीकेशन कह सकते हैं या उपयोगिता कह सकते हैं। तो जो है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी उपयोगिता बतानी है, ठीक है। इसकी उपयोगिता क्या होती है कि एक तो जो हीरा होता है, ठीक है, उसकी चमक होती है, या फिर मैंने आपको उस दिन बताया था ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु, हिंदी में प्रकाश तंतु कहते हैं इसे, या कह सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर, यहां पर इसका यूज किया जाता है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक दर्पण है, ठीक है, और दर्पण का, जैसे दर्पण मैंने आपको बताया था कि एक गोले से बना होता है, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जिस गोले से बना हुआ है उस गोले की त्रिज्या जो है, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। उस गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी दर्पण जिस गोले से बना हुआ है उस गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी बताइए, फोकस दूरी बताइए। तो जो उसकी त्रिज्या होती है उसका आधा होता है, फोकस उसका आधा होता है, क्योंकि ये जो त्रिज्या होती है उसे कहा जाता है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, इसे कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, और इस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो फोकस होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या का फोकस हमेशा आधा होता है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो। चलो थोड़े से क्वेश्चन और देखते हैं। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या होता है, ठीक है, तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या होता है कि जैसे समझिए ये कोशिका है, ठीक है, कोशिका के अंदर है केंद्रक, पर केंद्रक थोड़ा बड़ा बनाऊंगी ताकि दिखाई दे। केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र होते हैं, तो ये गुणसूत्र पे होते हैं जीन, ठीक है। अब जो जीन होते हैं, अगर वो जीन एक जैसे हैं, समान हैं, जैसे कि या तो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, अगर हम लंबाई की बात करें तो, या फिर अगर आप ये इस तरीके से लेते थे ना गोलाकार फली, या फिर इस तरीके से लेते थे, तो समान होना चाहिए। जो युग्म है, जीन युग्म, इसको कहते हैं जीन का युग्म, तो जीन युग्म जब समान होता है तो उसे तो कहते हैं समयुग्मजी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जिनके जीन युग्म समान होते हैं वो समयुग्मजी होते हैं, और जिनके जीन युग्म असमान होते हैं। अब असमान कैसे होंगे कि एक तो होगा आपका कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी। देखिए यहाँ पे स्मॉल टी भी हो सकता है, पर दोनों स्मॉल टी होना चाहिए, कैपिटल है तो दोनों कैपिटल होना चाहिए। असमान में क्या होता है, एक जीन ऐसा है और एक जीन ऐसा है, यानी दोनों जीन एक जैसे नहीं है, इसे कहा जाता है विषमयुग्मजी, ठीक है। ये हो गया कैपिटल टी, या फिर इसे हो सकता है स्मॉल टी, और इसका आंसर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रमन प्रभाव क्या है। तो क्या होता है, जब प्रकाश आता है और द्रव में जाता है, किसके अंदर जा रहा है, द्रव के अंदर, प्रकाश जब द्रव के अंदर प्रवेश करता है तो द्रव के जो अणु होते हैं उनके और प्रकाश के मध्य एक अंतः क्रिया होती है, कुछ क्रिया होती है जिसके वजह से प्रकाश जो है वो प्रकीर्णित हो जाता है, प्रकीर्णित मतलब फैल जाता है, बिखर जाता है। तो जब प्रकाश किसी द्रव में प्रवेश करता है तो द्रव के जो अणु होते हैं उन अणुओं के साथ प्रकाश की अंतः क्रिया होती है, उस अंतः क्रिया के कारण प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। इस घटना को रमन प्रभाव कहते हैं। इस घटना के वजह से रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था,
नोबेल पुरस्कार भी मिला था और रमन को ये मिला था 1930 में, ठीक है, और इन्हें भारत रत्न का भी दिया था। ये शायद 54 है, देख लेना, 1954 में भारत रत्न भी दिया था। तो नोबेल पुरस्कार भी दिया था, भारत रत्न भी दिया था। तो ये आपको पूरा, अगर आपसे सिंपली रमन लिखने को आ जाता है कि सीवी रमन पर लेख लिखिए, टिप्पणी लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो आपके लिए तीन चार बातें तो हो गई कि रमन ने रमन प्रभाव दिया था। रमन प्रभाव क्या होता है, एक लाइन उसकी लिख दीजिए। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इन्हें भारत रत्न दिया गया था, इस तरीके से। और रमन के बर्थडे को साइंस डे के तरह भी मनाया जाता है, ये भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे तीन चार बातें हो गई, आपका रमन का आंसर तैयार हो गया। अच्छा, जब भी आप किसी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे, तो एक बात याद रखना, ये मत याद करना कि उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने एजुकेशन यानी अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप हर आंसर को कैसे याद करेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया। जैसे हमने अभी दो देख लिए, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम का देखा था और हमने सीवी रमन का देखा था। तो अब्दुल कलाम जी ने जो जो किया था, जैसे मिसाइल किए थे या उन्होंने रॉकेट बनाया था, वो आप याद कर लीजिए। रमन ने रमन प्रभाव दिया था, ये क्या होता है, इन्हें कब ये पुरस्कार दिए गए थे। तो इससे क्या होगा, आपका अननेसेसरली ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। और इस चैप्टर में आप याद रखना कि डॉक्टर कलाम पिछली बार पूछे जा चुके हैं और पंचानन माहेश्वरी शायद पिछली बार पूछे जा चुके हैं। तो इस बार जो चांसेस बनते हैं वो या तो सीवी रमन के बनते हैं या डॉक्टर सलीम अली के बनते हैं, ठीक है। तो आप इनको जगदीश चंद्र बोस, सॉरी बोस, जगदीश बोस जो है उनके भी बनते हैं, तो आप उन तीनों को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काम मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है पीएच स्केल किसने दिया, तो ये तो आपको पता है सबको, सोरेनसन ने दिया था। सौर ऊर्जा के लाभ क्या हैं, ये भी आप बिल्कुल बता सकते हैं। सौर ऊर्जा के क्या लाभ हैं, सौर ऊर्जा खत्म नहीं होती है, नवीकरणीय स्रोत है, पॉल्यूशन नहीं होता है इनसे किसी प्रकार का, क्योंकि पेट्रोल को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, यहाँ पॉल्यूशन नहीं होता है। और ये अनलिमिटेड, बहुत सारा असीमित मात्रा में हमें हर जगह उपलब्ध होता है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, देखिए आप मुझे कमेंट करते रहिए, जहां मुझे लगेगा आपके कमेंट्स आने बंद हो रहे हैं, मेरा जो मोटिवेशन लेवल है डाउन हो जाएगा और हो सकता है मैं वीडियो फिर ना बनाऊँ। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत मेहनत कीजिए, मैं कोशिश कर रही हूँ आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाए। तो मुझे यही तरीका बेस्ट लगा सब कुछ रिवाइज करवाने का। बाकी आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि मुझे और क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को भी बताइए। अब जो लोग 9th में हैं, अब 10th में आएंगे, उन्हें भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।